open a burger. डूबता जहाज है, अब वो डूबते जहाज में और भी जितने लोग बैठे हैं, रोज कोई न कोई व्यक्ति छोड़कर और चला जाएगा। और उसी कांग्रेस के साथ नीतीश जी ने बिहार में समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया, और नीतीश जी को लगता है डूबता हुआ जहाज है, इस पर हम सवार हो जाएं तो शायद मुझे प्रधानमंत्री का मैं उम्मीदवार बन सकता हूं। तो इस समय तो जो कांग्रेस के साथ जाएगा, कल कांग्रेस की नहीं जो जाएगा उसकी भी नैया डूबना तय है, इसलिए नीतीश जी को कोई बचा नहीं सकता। दूसरी बात ये कि आज विधानसभा में श्री अवध बिहारी चौधरी का जो स्पीकर के पद पर निर्वाचन हुआ है, अभी जनता दलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को केवल 5-6 विधायक चाहिए, स्पीकर उनका है, माजी जी के 4 लोग कभी भी पाला बदल सकते हैं, 2 बाई इलेक्शन है, तो केवल जनता दलियों की 2-3 विधायकों को भी राजद तोड़ लेगा तो उनकी मेमोरी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीकर जो है वो राजद का है। तो इसलिए नीतीश जी अपनी पार्टी को बचाइए, आप प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, आपकी पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी, और इसलिए अवध बिहारी चौधरी को उन्होंने जो बनाया है तो उनकी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और नीतीश जी को लगता है कि जल्दी से जल्दी जो IRCTC घोटाले के अंदर जो ट्रायल शुरू होने वाला जल्दी से जल्दी शुरू हो, उनके लोग कह रहे हैं कि इतनी देर क्यों हो रही है, उनको लग रहा है कि वो जेल चले जाएं तो मैं राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ दूंगा। ये स और मात का खेल, शतरंज का खेल हो रहा है कि राजद चाहता है कि जनता दलियों को तोड़कर मिला लें, चूँकि स्पीकर उनका है, और जदयू को लग रहा है कि अगर तेजस्वी जेल चले जाएँ तो फिर हम उनकी पार्टी को तोड़ पाएंगे। तो मुझे खुशी है कि अवध बिहारी चौधरी को उन्होंने मजबूरी में ही क्यों ना हो, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि लालू जी बुद्धिमान आदमी, उनको मालूम है ये व्यक्ति कभी भी धोखा दे सकता है, इसके पहले भी उनको धोखा दे चुके, 2-2 बार धोखा दे चुके हैं। लालू जी बहुत सतर्क हैं, तो कौन किसको तोड़ता, लेकिन मुझे लग रहा है कि राजद के लिए जनता दलियों को तोड़ना बहुत आसान है। तो मैं बहुत अपमानित महसूस किया मैंने, मुझे बहुत खराब लग रहा था, और मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था, इसलिए मैंने एक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसी मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में आज मेरी गवाही थी, और इस मुकदमे में, इस मामले में राहुल गांधी एक बार यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने बेल लिया था, वो अभी बेल पर है। तो राहुल गांधी पर जो मानहानि का मैंने मुकदमा दायर किया था आज उसी का, और मेरी गवाही थी, तो उनके वकील ने लगभग 45 मिनट तक मुझसे अनेक सवाल पूछे, और मैंने यही कहा कि उस दिन जब मैं भाषण सुन रहा था और सुनकर मैं जब कार्यालय गया, BJP कार्यालय गया, तो लोग चर्चा कर रहे थे कि सारे मोदी चोर हैं, अब तो राहुल गांधी ने कह दिया। जब मैं अगले दिन भागलपुर गया, भागलपुर की सभा में भाषण देकर नीचे उतरा तो लोग मजाक कर रहे थे कि सारे मोदी चोर हैं, तो मुझे लगा कि मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है और सारे मोदियों को चोर कहा जा रहा है, क्या नरेंद्र मोदी को ही नहीं है, सारे मोदियों को। इसलिए मैंने फिर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, मेरे वकील SD संजय जी यहाँ पर मौजूद हैं और सारे लोग जो हैं। तो आज राहुल गांधी के वकील के द्वारा जिरत ही हमारी, उन्होंने गवाही ली और मैंने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। बता दें।